के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रूस दौरे पर पहुंची मास्को। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक में लेंगी हिस्सा। पाकिस्तान से आए हिंदुओं को मिल सकती है भारत की नागरिकता। गृह मंत्रालय ने नियमों में नरमी के दिए संकेत। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की सीडी की जांच करेगा पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग। ममता पर लगाया था आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। ओडिशा के सड़क हादसे में घायल कुछ और लोगों की हालत नाजुक। अब तक 25 लोगों की हो चुकी है मौत। गंभीर रूप से घायल 11 लोग अस्पताल में भर्ती। और कन्हैया और उमर खालिद को धमकी देने के दो आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी मुख्य आरोपी अमित जानी का भाई, मुख्य आरोपी अब तक फरार। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषण की सीडी की जांच करेगा, जहां आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि हम वीडियो की सीडी को चुनाव आयोग के पास भेजेंगे, वो देखेंगे कि क्या करना है। मोदी ने कहा था या तो तृणमूल कांग्रेस या इसके वकील या खुद ममता जी को जवाब देना चाहिए था, लेकिन अगर ये सच है कि मुख्य सचिव ने जवाब दिया है तो ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। लेकिन भाइयों बहनों, जो कृष्णानगर कभी बंगाल का ऑक्सफोर्ड माना जाता था, यहां की सार भाजा और सुरपुरिया बंगाल के बाहर भी लोगों को याद रहती थी। कहां से कहां हो गया, कहां चला गया सब, ये बर्बादी किसके कारण आई, ये तबाही किसके कारण आई। चैतन्य महाप्रभु की छाया जहां हो, गोंडिया समाज आज भी समाज सुधार के लिए अपने आप को खपाता रहता हो, ऐसी बंगाल की धरती पर क्या हाल हो गया है मेरे भाई बहनों। मैं इस चुनाव के दौरान पहले भी बंगाल में आया था, ये तीसरे दौर के मतदान के समय भी आया हूं, लेकिन पराजय के कगार पर खड़ी हुई टीएमसी पार्टी अपना होश हवास खो बैठी है। ममता जी और उनके दल ने पराजय स्वीकार कर लिया है और इसलिए अब वो राजनीतिक दलों से लड़ाई नहीं लड़ रही है, वे अब इलेक्शन कमीशन से लड़ाई लड़ रही है। अरे दीदी, ये इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, पूरे विश्व में भारत के इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा है और जैसे खेल में हर खिलाड़ी एम्पायर का सम्मान करता है, एम्पायर का आदर करता है, चुनाव के मैदान में भी हम सभी राजनीतिक दलों का दायित्व तो बनता है, सभी उम्मीदवारों का दायित्व तो बनता है कि हम इलेक्शन कमीशन का आदर करें, नीति नियमों का पालन करें। अरे चुनाव तो आए जाएंगे दीदी, लेकिन अगर संस्थाएं टूट जाएगी, संस्थाएं खत्म हो जाएगी तो देश नहीं चल पाएगा। और इसलिए
इलेक्शन कमीशन ने ममता जी को उनकी वाणी वर्तन व्यवहार के लिए नोटिस दिया, उनका काम था। और आपका काम था अपनी बात बताना, आपकी जिम्मेवारी थी, आपका दल उनको मिले अपना पहलू बताएं। लेकिन उसके बजाय आप कहती हैं 19 तारीख के बाद मैं देख लूंगी। अरे देखना था तो 5 साल बंगाल की धरती आपको दी थी, यहां के लोगों के दुख दर्द देखे होते, यहां के लोगों की परेशानी देखी होती, यहां की गरीबी देखी होती, तो आज इलेक्शन कमीशन को देख लूंगी ये धमकियां देने की नौबत नहीं आती। आखिरकार देश कानून नियम और व्यवस्थाओं से चलता है। अगर आप उसी को मानने से इनकार करोगे तो फिर तो आपको लोकतंत्र में आस्था है कि नहीं है, भारत के संविधान के प्रति आपकी आस्था है कि नहीं है, इस विषय में भी जनता जनार्दन के सामने स्पष्ट करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन हमने कहीं पढ़ा, अब जो पढ़ते हैं सब छानबीन करके हम बोलना चाहिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, तो मैंने सुना कि जो दीदी को नोटिस दिया गया उसका जवाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने दिया। अगर ये हुआ है तो ये तो सबसे बड़ा चुनावी नियमों का भंग है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मुख्यमंत्री को नोटिस नहीं दिया है, इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी के नेता को, टीएमसी के उम्मीदवार ममता दीदी को नोटिस दिया है, उसका जवाब टीएमसी पार्टी ने देना चाहिए, टीएमसी पार्टी के किसी वकील ने देना चाहिए या स्वयं ममता दीदी ने देना चाहिए। सरकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मुख्य सचिव ने इस प्रकार का जवाब नहीं देना चाहिए, अगर दिया है तो, क्योंकि मैं दावा नहीं कर सकता हूं, मुझे आते आते किसी ने बताया। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आपने चुनावी नियमों का खुलेआम भंग किया है, आपने सरकार का दुरुपयोग किया है। और आपको मालूम है श्रीमती इंदिरा गांधी की 6 साल के लिए सदस्यता गई थी, क्योंकि उन्होंने सरकार का दुरुपयोग किया था। ममता जी कानून का काम करेगा। भाइयों बहनों, जय और पराजय होते रहते हैं, ये लोकतंत्र का स्वभाव है। लेकिन अगर पराजय के डर के कारण व्यवस्थाओं को ही नष्ट कर दें तो मैं नहीं मानता हूं कि इतना बड़ा देश, विविधताओं से भरा देश। गुजरात के मेहसाणा में पाटीदार आरक्षण आंदोलन की वजह से भड़की हिंसा के बाद लगाया गया कर्फ्यू आज सुबह 6 बजे के बाद हटा लिया गया है। हालांकि एहतियात के तौर पर सूरत और मेहसाणा में अभी भी धारा 144 लागू है। राज्य के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस बीच अफवाह फैलने से रोकने के लिए कई इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात सरकार को शांति बनाए रखने के लिए जरूरी मदद का भरोसा भी दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 देशों के दौरे के दूसरे चरण में रविवार रात रूस पहुंच गई। सुषमा इस दौरान रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगे। RIC की बैठक में शिरकत करने के अलावा सुषमा मॉस्को में अपनी रूसी समक्ष से भी मुलाकात कर सकती है। RIC के इतर सुषमा अपने चीनी समक्ष वागी से भी मुलाकात कर सकती है, जिस दौरान वो जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित करवाने के भारत के प्रयास को चीन की तरफ से रोके जाने के मुद्दे को उठा सकती है।
ओडिशा के देवगढ़ जिले में एक ओपेरा ग्रुप के कलाकारों को लेकर जा रही बस के रविवार शाम गहरे खड्डे में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि महिलाओं और बच्चों समेत करीब 40 लोगों को लेकर ये बस देवगढ़ से बारगढ़ के रेमडा को लौट रही थी कि ये पहाड़ी इलाके तेलियाबानी गाइलो घाट पर 250 फुट से अधिक गहरे खड्डे में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर द्वारा एक तीखा मोड़ काटने के चलते ये हादसा हुआ। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद को जान से मारने की धमकी देने के सिलसिले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ISBT से जेएनयू जा रही एक बस में गोलियों से भरा हुआ पिस्तौल और एक पत्र मिला जिसमें ये धमकी दी गई थी। पुलिस ने बताया कि कल रात से चल रहे अभियान के तहत दो लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उनकी पहचान सुलभ और सौरभ के रूप में हुई है। दोनों को अदालत में पेश किया गया है जिसने उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि सौरभ उत्तर प्रदेश नव निर्माण सेना के प्रमुख अमित जानी का छोटा भाई है जिसने कथित रूप से कन्हैया और उमर को धमकी भरा पत्र लिखा था। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।